हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नफ्या, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए यहाँ पे कितनी शानदार बात कही गई है, अपनी सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। आज के इस वीडियो में EPFO एग्ज़ाम के बारे में जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग करेंट अफेयर्स और GS के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुंकेसर। पैरों में नर भाग पुंकेसर होता है एंड स्त्री भाग जो होती है उसे बोला जाता है स्त्रीकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता? तो इसका आंसर होगा स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की दोनों आँखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक आँख किंचित अलग अलग प्रतिबिंब को देखती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य का रेंज होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहिद अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो उस समय अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी, JB कृपलानी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकलन समिति का अधिदेश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राकलनों में अंतर्निहित नीति के अनुसार क्या क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला है बंदी, दूसरा है कर्मकार, हड़ताल, तालाबंदी, मतलब इसका मतलब क्या है, किससे ये रिलेटेड है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब है, बंदी का मतलब है किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना, और कर्मकार का मतलब है कुशल, अकुशल अथवा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति, हड़ताल का मतलब है कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना, और तालाबंदी का मतलब है ऑप्शन नंबर 3, प्रबंधन द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम का के लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सदस्य। आगे क्वेश्चन है, नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जीता, उन्होंने निम्नलिखित में से किसे फाइनल में हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनिफर ब्रेडी। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार एडोलिसेंट कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम उम्र का है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विवाद को व्यवसाय विवाद माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, तीनों सही है इसका, नियोजन, अनियोजन एंड श्रम परिस्थितियाँ। आगे क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? सो इसका आंसर है, चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 GB सूचना को निरूपित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित निम्नलिखित में तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी है जिससे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है, डिफॉरेस्टेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता भौम जल स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें बेमेल युग्म है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र संख्या 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेवेल। यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण कुमार मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, ना कि नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की त्रिसेना दस्ते ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई है, वे निम्नलिखित में से किस देश की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में NITI सब निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार।